गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह का टाइम है, अभी सुबह का 10 बज रहे हैं। थोड़ा सा रेडी हो चुकी हूँ और सुमित अभी ऑफिस जा रहे हैं, तो सुमित के साथ ही मैं जाऊँगी क्योंकि कुछ सामान लेना है मुझे। और आज मटन भी लेना है। अभी जाकर ही पता चलेगा मटन मिलेगा या नहीं, क्योंकि सुबह से, मतलब कल रात से लगातार बारिश हो रहा है, लेकिन सुबह से भी बारिश हो रहा है। जस्ट अभी बंद हुआ है, इसलिए मैंने फटाफट रेडी हो गई हूँ ताकि सुमित के साथ जा पाऊँ, क्योंकि एक ही अम्ब्रेला है हम लोग के पास, और अगर बारिश आ जाएगा बीच रास्ते में तो मैं गीला हो जाऊंगी। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा बंद है बारिश, तो इस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो देखेंगे कि क्या मिलता है क्या नहीं। घर में सब्जी भी थोड़ा बहुत चाहिए, जो खत्म हो गया वो भी ले लेंगे। होया तो अच्छा सुमित अभी रेडी हो रहे हैं। घर का उतना कुछ भी काम नहीं किया मैंने, और आज ना थोड़ा सा मेरा, मतलब मूड थोड़ा सा दबा दबा सा है, क्योंकि कल पूरी रात भर मैं सो नहीं पाई, उल्टा पुल्टा टेंशन की वजह से। पता नहीं, कुछ टेंशन है नहीं, फिर भी कहाँ से पेन टाइम हो ये तो रहेगी, बॉक्सरों मध्य देखो मेकअप में तो टेंशन नहीं है, फिर भी कहाँ से उल्टा पुल्टा मैं सोचने लग जाती हूँ, फिर नींद नहीं आता है। फिर इतना ठंडी है ना, ठंडी में मतलब गर्मी वाला कुछ क्लोथ नहीं है, ये नहीं है, बहुत दिक्कत हुआ। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ मार्केट पे चलते हैं, और थोड़ा बहुत जो कॉलोनी है उसका भी व्यू दिखा दूंगी, ठीक है, कैसा है क्या नहीं है। और आज मैंने जूड़ा बनाया है, क्योंकि हर टाइम मैं खुला रखती हूँ बाल ना। आज देखिए कैसे हालत है रूम का, सब मुझे सही करना है अभी। हो गया ना? चलिए, ओटीपी ओटीपी, आज पार्सल भी आने वाला है घर में। चले गए हेलो, जो तो कॉपुर में तो भालो। सुमित का खांसी नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ ना इतना ठंडा है और बारिश होता है, और सुमित का ना सेलसो का धाद है, मतलब ठंडी में ना उसका कब बैठ जाते हैं, तो उसके वजह से उसको थोड़ा बहुत खांसी आ रहा है, मुंह में ये सर्दी आ रहा है। तो इसीलिए जितना कप सिरप खा रहे हैं फिर भी उसका तबीयत सही नहीं हो रहा है। तो ओटीपी लिख के रखो, आएंगे तो फिर मैं देखूंगी। और आज क्या, मैंने ऑनलाइन से मैंने बुक किया था, वो आने वाला है। क्या आने वाला है, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ब्लॉग। वही तो उस पे अच्छा टेस्ट टेस्ट देना होगा। मैं पहले देखूंगा हाँ मिल रहा है ये हो रहा है टाइम से सब ठीक है ना। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। देखिए गाइस, बारिश हुआ है, पूरा पानी पानी हो गया है। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना, तो उधर ना, ई बाबू बाली छिटक चे, तो अच्छा उधर बालू फेंका हुआ है रास्ते पे, तो छिटक के बॉडी पे आ रहा है वो। इधर एकदम ठंडा है। देखिए ग्रोसरी का सामान था वो भी ले लिया है, सुमित के पास आधा सामान, मेरे पास आधा सामान। और इधर ना बहुत बालू छिड़क रहा है पूरा बॉडी पे, ये देखो। के गो कॉकरोच। सो गाइस देखिए, ये जो बालू फेंका है ना, बारिश की वजह से पूरा चलने से ना पूरा छिड़क के ऊपर आ रहा है। सुमित के पैंट में बहुत सारा था, वो झाड़ लिया। तो चलिए रूम पे जाके फिर बात करते हैं। आ गए घर के सामने और मेरे फोन में पूरा गंदा ही गंदा हो गया। तो फ्लिपकार्ट से कॉल आया पार्सल के लिए,
इधर ना आसामिया बोलते हैं ना वो डिलीवरी बॉय, सुमित को आसामिया समझ में नहीं आया, बोला हिंदी समझते हो हिंदी में बात करो। तो देखिए कितना बाली बाली हो गया है बालू के वजह से। तो मैंने जिस जस्ट पैंट चेंज किया है, गया। ऊपर का अभी भी पहना हुआ हूँ, और 10 मिनट में आ रहे हैं मेरा डिलीवरी बॉय। और बहुत दिन के बाद, मतलब तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, मतलब पार्सल आने वाला है तो फ्लिपकार्ट से, मेसो से भी ऑर्डर किया है। मेसो का पता नहीं कब आएगा, मेसो का डेट 13 तारीख का है ना। आज कितना तारीख है, 5 तारीख है, 6 तारीख है, डिलीवरी 6 तारीख। अच्छा जाओ देखिए ना, पूरा कपड़ा ही कपड़ा है कि पूरा बादल। जैसे अभी पापा ने फोन किया था, पापा के साथ बात किया तो बोला कोलकाता में बहुत गर्मी है, बारिश भेज दे। कौन रिल्सटा, चलो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, जब पार्सल बॉय आते हैं ना तब। अब शायद ये वाला है फ्लिपकार्ट का गाड़ी। हाँ यही है। अरे पार्सल खोला क्या नो? ये कैसा पार्सल भेजा जो ओपन? ये कैसा पार्सल है जो ओपन किया हुआ है? देखे ना, सुमित अभी काम पे जा रहे हैं, बाय बाय। तो गाइस अभी मुझे घर का साफ सफाई करना है, घर में इतना डस्ट जम गया है ना, तो चलो झाड़ू मैंने ले लिया है हाथ में, घर में सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। और फ्लिपकार्ट से जो पार्सल था वो आ गया है, लेकिन पार्सल जो पैकेजिंग किया है एकदम गंदा पैकेजिंग है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये मैं जो ऑर्डर किया है वो अलग है, इसलिए कुछ डैमेज नहीं हुआ है, अगर डैमेज हो जाता तो फिर से ये करना होता है। तो चलो मैं घर का थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, बाय। सुमित जब भी काम पे चले जाते हैं ना, फिर मैं घर का पूरा अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, और काम करने में भी अच्छा लगता है। और देखिए जितना मैंने कपड़ा धोया था ना 2-3 दिन से ना, वो कपड़ा ना बेड के ऊपर ऐसे ही रख देती थी, मतलब उसको सरिया के रहने रखने में ना कंटाल आ रहा था। पता नहीं, मैं सोचती हूँ मैं ये काम करूंगी उसी दिन वो काम करना मैं भूल जाती हूँ, जब मैं सोचती हूँ आज कुछ नहीं करूंगी उसी दिन ज्यादा ही काम कर लेती हूँ। आप सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं प्लीज मुझे बताना। वैसे मुझे ना पता नहीं, मुझे इन दिनों ना घर का काम करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मन भी लगता है कि ये करूँ वो करूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं वो बचपन में खेलता है ना खेलम बाटी, हम लोग खेला बाटी बोलते हैं, वो शादी शुदा बनकर घर का काम करना ये सब, मतलब उस टाइम पे फेक करती थी, अभी वो रियल मैं जी रही हूँ ना, मैं बहुत इंजॉय कर रही इस पल को। और ऐसा ना बहुत ही रेयर मैं अपने लाइफ को इंजॉय कर पाई हूँ, और मुझे ये पल बहुत अच्छा लग रहा है। और बेसिकली ना ये घर मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो मैं बताऊंगी बहुत जल्दी। बस अभी मैं ये जो साफ सफाई कर रही हूँ ना, ये
सुबह का टाइम तो होता ही है, डेली मैं ऐसा करती हूँ, डेली सेम 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 रहता ही है, कभी इससे ज्यादा भी कर लेती हूँ लेकिन सेम रहता ही है। सुमित जाने के बाद मैं घर का पूरा क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, तब जाके ना किचन में जाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो घर में वो टेंशन नहीं रहता कि मुझे ये करना है, बाकी वो करना है, बाकी एकदम रिलैक्स होके किचन में जाओ, किचन का काम निपटाने के बाद फिर नहाओ तो एकदम रिलैक्स महसूस होता है, हड़बड़ी सा नहीं रहता है ऊपर से ना। और मुझे ये घर और ज़्यादा क्यों पसंद आ रहा है पता है, क्योंकि आसाम में ना बहुत ठंडा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है और मुझे ठंडा बहुत पसंद है। विंटर मुझे पसंद है लेकिन विंटर तो अभी है नहीं, अभी तो है समर, लेकिन आसाम में ना बहुत ठंडा है, कोलकाता से ज़्यादा ठंडा है। कोलकाता बहुत 43-44 ऐसा मतलब डिग्री पे चले गए हैं। मेरे पापा फोन किया था, पापा बोल रहा था बारिश भेज दे ऐसा करके, तो ऐसा लगता है ना मैं बहुत खुश नसीब हूँ और इतना मैं ब्लेस फील करती हूँ अपने आप को। और मुझे पता नहीं इन दिनों अच्छा लगता है ना कि आप सबके साथ में हर एक मतलब हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, मतलब कुछ भी छूट जाता है ना शेयर नहीं कर पाती हूँ फिर मेरा मन उदास हो जाता है। और जैसे पहले क्या होता था, बादल जैसे दिखते था ना मेरा मूड ऑफ हो जाता था, एकदम लेजीपन हो जाता है था, लेकिन अभी ऐसा इधर होता नहीं है। मेरा बादल ये सब देखने के बाद भी ना मेरा काम करने का एकदम जोश आ जाता है, जैसे कि आज मेरा जोश बन गया है। सुबह के टाइम तो थोड़ा सा मूड डाउन लग रहा था लेकिन अभी मेरा बहुत एनर्जी आ गया है बॉडी में। थक गई, घर का एकदम अच्छे से क्लीनिंग हो गया और नीचे वाले रूम में ना काम चल रहा है इसलिए नॉइज आ रहा है। तो अभी ये इतना सारा कपड़ा है इसको भिगोना है, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, पानी पी लेती हूँ, ठीक है। और 12:30 के करीब पानी देने के लिए आएंगे, अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल मेरा रहता है इधर और मैं रहती हूँ किचन में। फैन ऑन कर लेती हूँ और बादल बादल होके रखा है फिर भी गर्मी लग रही है, फैन का नॉइज आता है। पूरे घर को अभी मॉप मारूंगी, उसके बाद जाऊंगी किचन में। और हाँ गाइस, आपको फ्लिपकार्ट से जो मैंने मेरा पर्स लाया है वो दिखाया नहीं, वो दिखाऊंगी, रुके पहले पूरा घर का मॉप मार लेती हूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। चलो आती हूँ मैं रूम को मॉप मार के। हाँ सुबह का टाइम ये सब काम जब हो जाता है ना इतना रिफ्रेशिंग लगता है मूड मेरा। जैसे सुबह ब्लॉग शुरुआत करने के टाइम थोड़ा सा डाउन लग रही थी, रीज़न है। और ये पोछा लगाने के टाइम इतना बाल आता है ना गाइस, तो दिक्कत हो जाता है, इतना बाल झड़ता है। चलिए पहले पोछा मार देती हूँ फिर आपके साथ आके दिखाती हूँ मेरा फ्लिपकार्ट से जो पार्सल आया है, ठीक है। चलो नहीं तो बातों बातों में कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा, क्लीन भी नहीं होगा। ये वाला मॉप में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, हाथों से निचोड़ना पड़ता है, लेकिन मेरे मम्मी के घर में मेरे मायके में जो मॉप है ना वो मस्त है एकदम, वो एकदम सरका के लेके भी जा सकती, इतना मस्त है। सो गाइस देखिए मेरा रूम बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, सुबह का टाइम है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 12 ही बजा है। तो देखिए घर का पूरा एकदम क्लीनिंग हो गया है, मॉप भी मार दिया है। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरे पार्सल क्या परचेस किया है, क्या ऑर्डर किया था। तो दो पार्सल मैंने ऑर्डर किया था, एक था बास्केट बर्तन धोकर रखने के लिए और दूसरा चॉपिंग का कुछ सिक्स स्लाइजर कुछ रहता है ना वो, तो उनमें से कौन सा आया पता है, बक्सा देख कर आपको समझ में आ गया है और सुमित लेके आ रहे थे तब। तो चलिए दिखा देते हैं, तब तक मैं घर का फैन चलाकर सुखा लेती हूँ, ठीक है, फर्श को। फर्श सही नहीं है, ठीक है ठीक है।
करो बाहर साइड से करो क्या अंदर ठीक है सही है हाँ खराब नहीं है ठीक है चलो गाइस आपने देखा मैंने फ्लिपकार्ट से क्या ऑर्डर किया था क्या आया तो अभी बर्तन धोने के लिए मैं उसको किचन में रख के आई हूँ वो भी काम करूंगी और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करती हूँ और आई होप आज का ब्लॉग आप सबने इंजॉय किया अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और सुमित जाने के बाद डेली रूटीन मेरा ये रहता ही है डेली इसे मैं फॉलो करती हूँ आपके साथ शेयर किया आई होप अच्छा लगा तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बाय।